क्या बात है, तो बिल्कुल सही बात है। ऑब्वियसली मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ कंटिन्यूटी की, तो मैं डोमेन निकालूंगा क्योंकि तो कंटिन्यूटी की बात डोमेन में की जाती है। तो अगर मैंने साइन इनवर्स देखा तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए थी, -1 से 1, लेकिन अंडर रूट में एक्स है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, इस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1, हाँ है ना। फिर मैंने सेकंड इनवर्स एक्स को देखा, सेकंड इनवर्स एक्स के लिए तो वैल्यू -∞ से -1 सही होती है, यूनियन 1 से ∞ सही होती है। लेकिन फिर मैंने रूट देखा, रूट देखा तो मैंने बोला ये वैल्यू तो 1 से ∞ होगी। अब ये चाहिए था अपने को 0 से 1, ये आ रहा है 1 से ∞। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन में सिर्फ एक पॉइंट आएगा एंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, वेरी गुड, काफी लोगों ने निकाल दिया था, इट इज ओनली 1। तो ये कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन हो गया ये, हाँ है ना, इट इज अ पॉइंट फंक्शन। देयरफॉर अभी अभी अपन ने पढ़ा है आज ही की क्लास में, एफ एक्स इज अ पॉइंट फंक्शन। तो क्या कहते हैं पॉइंट फंक्शन को, अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। हेंस हम बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 ओनली, क्योंकि डोमेन में 1 ही है, समझ में आ रहा है, इसके डोमेन में एक ही था सिर्फ, तो ये डोमेन में कंटिन्यूअस हो गया। कुछ पल्ले पड़ा क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको देखो जरा।